वृंदावन के बारे में सनत कुमार संहिता कहती है कि त्रैलोक के पृथ्वी मान्य जम्बू द्वीप मता परम, कि इस संसार के अंदर पृथ्वी बड़ी उत्तम है, परंतु उससे भी एक उसमें भी पृथ्वी पर भी एक सबसे ज्यादा उत्तम अगर कोई जगह है तो वह है जम्बू द्वीप। तत्रापि भारतवर्ष, उस जम्बू द्वीप पर भी अगर कोई और उच्च स्थान है और कोई बहुत बड़ा पवित्र स्थान है तो वह है भारतवर्ष। तो तत्रापि भारतम वर्ष तत्रापि मधुर मथुरापुरी, उस जगह पर भी इस जम्बू द्वीप पर भारतवर्ष उत्तम पवित्र स्थान है, उस पवित्र स्थान पर भी और कौन सा पवित्रतम स्थान है, बोले वह है मथुरापुरी, मथुरा। बोले अच्छा तो बस मथुरा चले जाए तो काम हो जाएगा, बोले नहीं होगा। तत्र वृंदावनम नाम तत्र गोपिका गोपी कदम्बकम, बोले वहां पे भी वृंदावन धाम जो सबसे ज्यादा पवित्रतम है। बोले अच्छा तो वृंदावन गए काम हो, नहीं वृंदावन वहां पे भी कदम्ब जहां पे हुए, ठाकुर जी तो कदम्ब के नीचे खड़े हुए ना, पेड़ का वृक्षों का बड़ा महत्व है, पद्म पुराण स्कंद पुराण के अंदर लिखा है आचार्यों ने, तो जहां भागवत के अंदर तो चर्चा आई है जहां भगवान शिव की, तो भगवान शिव जहां ध्यान करते हैं कैलाश पर्वत पर, तो बताया है 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर लंबा कैलाश पर बैठे हैं, 1200 किलोमीटर लंबा केले का पेड़ है, उस केले के पेड़ के नीचे भगवान शिव बैठकर ध्यानस्थ मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, 1200 किलोमीटर लंबा, और कन्हैया कदम्ब के नीचे। तो तत्र वृंदावनम नाम तत्र गोपी कदम्बकम, बोले उसमें कदम्ब क्या पेड़ हो, और तत्र राधा सखी वर्ग, बोले उसमें भी अगर कौन सा उच्चतम स्थान है, बोले वृंदावन की प्राप्ति हो जाए वहां पे भी कदम्ब का वृक्ष मिल जाए, परंतु उस कदम्ब के हर बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं, नहीं उन वहां पे जाना जहां पर राधा रानी का वर्ग, राधा रानी की सखियां हो। तो तत्र राधा सखी वर्ग तत्रापि राधिका वरह, ये पवित्रतम स्थान,